और यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इस टाइम पे ट्यूशन चल रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नए सुबह की नई शुरुआत हो चुकी है और मॉर्निंग के बज चुके हैं 9:30 और नाश्ता तो हो चुका है। तो मैं आज रुका था मामा जी के यहाँ हरिद्वार, और मामा जी का और छोटा टेबल में और बच्चा है ट्यूशन पढ़ने के लिए। हेलो बोलो। हेलो हेलो तो गाइस, मैं जा रहा हूँ अपने घर कोटद्वार और भाई का फोन आ रहा है, बैग बुक मैंने पैक कर दिया है। भाई इस टाइम पे सोन जयंती पार्क में मेरा इंतजार कर रहा है और चलते हैं। सारी पैकिंग हो चुकी है, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। जय हम तो चलते हैं गाइस। तो गाइस, ये काली माता मंदिर का एंट्री पॉइंट है। तो गाइस, हम कोटद्वार जा रहे हैं अपने घर, और यहाँ पर जस्ट चंबा रोड पे एक मंदिर पड़ता है, काली माता का मंदिर। तो हम यहाँ पर आए हैं। तो ये है मेरे पीछे काली माता का मंदिर, और यहाँ पे एक निर्माण कार्य भी चल रहा है इस टाइम पे, कुछ बना रहे होंगे यहाँ पे, और आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। सिद्धपीठ दक्षिण काली माता मंदिर। तो गाइस, ये एंट्री। तो ये हवन कुंड यहाँ पे, ये देखो कुछ पान की पत्ती इतना होना है। तो गाइस, जैसे मंदिर के बाहर निकलते ही सामने मनसा देवी का दर्शन और हरिद्वार का व्यू, तो ये मेरे सामने। तो ये देखिए हरिद्वार, और वो सामने मनसा देवी, सामने चोटी पे ये मनसा देवी है, और इधर भाई वादियों के मज़े ले रहे हैं। और ये देखिए पीछे से ऐसे तरह से देखिए। तो गाइस, मंदिर पर भी काम ही चल रहा है, देखिए वेल्डिंग वेल्डिंग हो रही है पूरा, और ये पूरी टीन शेड लगा दी इन्होंने। तेल लगा रहे हो क्या आप इसमें? तेल लगाते हो? अच्छा, स्नान के बाद तेल लगाया जाता। अच्छा अच्छा, तेल लगा के इनकी मालिश की जाती है। गाइस, चंबा रोड पे जस्ट क्या बात है ना, हरिद्वार से चंबा के लिए तो जस्ट शुरू में ही काली माता का मंदिर है, और सामने बगल पे ही चंडी माता द्वार है। यह है सामने मेरे, यहाँ से भी जा सकते हैं आप अगर बगल, और एक दूसरा रास्ता भी है, फर्स्ट रास्ता है जो हरिद्वार पे है, पहला रास्ता भी है, और यहाँ ट्रॉली से भी जा सकते हो आप। तो गाइस, हम कोटद्वार के लिए निकल चुके हैं, और यहाँ से हमने गांव का शॉर्टकट रास्ता मारा है, ये रास्ता है ना ये वाला। तो ये मेन रोड है, इस साइड पे आपको दिख तो नहीं, इधर जंगल सा है, इधर मेन रोड है, और हम इस टाइम पे हम सीधा गांव के रास्ते जा रहे हैं। तो ये रास्ता सीधा नहर के रास्ते में मिलेगा, ये शॉर्टकट रास्ता, शॉर्टकट तो नहीं है, तो उतना ही है, मगर यहाँ पर आपको इतना रश नहीं मिलेगा जितना मेन रोड पर है। इधर अपना शांत से निकलो आप, इधर से आते हो तो इधर से सबसे बढ़िया रास्ता यही है, इतना ज़्यादा रश नहीं है इधर से, 4-5 किलोमीटर है। छोटी गाड़ियों के लिए तो बढ़िया है। तो चले गाइस, चलते हैं। रोड से लगते हुए ये गंग नहर जा रही है, देखिए पूरी ये रसीदा गांव का रास्ता है। तो गाइस, इसी रास्ते की बात कर रहा था मैं, तो यही रास्ता जुड़ता है, ये नहर का रास्ता, तो इसी रास्ते से हम घर जाएंगे कोटद्वार। हो रही है मौसम एकदम मस्त, और इस टाइम पर चला रहा गाड़ी, और मैं बैठा हूँ इस टाइम पीछे, बैंड बज चुका है मेरा, कमर दर्द कर रही मेरी, ऐसे काफ़ी ट्रैवलिंग कर रही, और हम बस पहुँचने वाले हैं नजरबाज वाले रूप में, नज़ारे के मज़े लीजिए। तो गाइस, कोटद्वार नजरबाज हाईवे पर ये नैनो गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है। तो गाइस, जैसे आप मौसम देख रहे हो ना मस्त, कोटद्वार के अंदर एंट्री होते ही बारिश स्टार्ट हो गई, कितने
ये देखिए आप रोड गिल्ली हो चुकी है। तो गाइस काफी काम चल रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है कोटद्वार से काफी ज्यादा। देखिए आप काम चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हो। गाइस पहुंच चुके हैं हम गंगा चौक कोटद्वार। तो फाइनली गाइस भाई के घर पहुंच चुके हैं। भाई जा रहा अपने घर, चले भाई। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। ओके बाय बाय। तो गाइस चलते हैं घर, हमारी ट्रिप पूरी हो चुकी है। तो फाइनली गाइस घर पहुंच चुका हूं और बारिश भी एकदम काफ़ी तेज़ हो चुकी है। और भीग तो वैसे मैं गया था मार्केट में, जिस टाइम मार्केट में तेज़ बारिश थी ना तो उस टाइम तो यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी थी जब घर पहुँचे, और अब काफ़ी तेज़ हो गई है। तो गाइस दिन के बज चुके हैं 2 और अब करते हैं लंच, खाना भी बनने वाला है, उसके बाद आराम करते हैं। काफ़ी थक गए हैं, काफ़ी 3-4 दिन की ट्रिप हुई हमारी। तो गाइस वीडियो करते हैं अपने एंड, और आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।